गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्न अबाउट शेप्स एंड लाइन। आर यू नो अबाउट द शेप्स एंड लाइन? ओके, सो टुडे वी लर्न द शेप्स एंड लाइन। आर यू सीन इन द स्क्रीन द फोर टाइप्स ऑफ शेप्स आर देयर? ट्रायंगल, rectangle, square and circle. We seen in the next slide. It is not color na, it's not colored, so we see in the next slide. Square, triangle, circle and rectangle. Square का मतलब होता है चौकोन, जो चारों कोण जिसका क्या होता है, इक्वल होता है, जिसके चारों एंगल्स क्या होते हैं, एकदम इक्वल। सेकेंड वन इज ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसे होता है? त्रिकोण होता है जिसके तीन कोण होते हैं, और तीनों कोण कैसे होते हैं? इक्वल्स होते हैं। थर्ड वन इज सर्कल। सर्कल तो आप लोगों को पता है, इसका मतलब होता है गोल। सर्कल का मतलब होता है गोल। और रेक्टेंगल, इसके भी चारों कोण समान होते हैं, और इसे हिंदी में आयत कहा जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में 3D शेप्स। पहला है आपका कोण, CONE, कोण। कोण आप लोगों ने देखा होगा, मतलब जैसे कि हम बर्थडे का जो टोपी यूज़ करते हैं, वो कोन शेप्स में होता है। सेकेंड वन इज़ क्यूब, CUBE, क्यूब। क्यूब तो हम जैसे लूडोज़ वगैरह में यूज़ करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्यूब। सेकेंड शेप्स क्या है? क्यूब। स्फेयर ये भी कैसे होता है? गोला होता है। कैसे होता है? गोला। बट ये कैसा होता है? थोड़ा सा पूरा फुल्ली गोल नहीं होता है, थोड़ा सा हल्का सा फ्लैट होता है। एंड फोर्थ वन इज सिलेंडर। सिलेंडर आप लोगों को तो नाम से ही पता चल जाता होगा कि सिलेंडर किस तरह का होता है। जैसे कि ये हमें पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है, देखिए, तो ये सिलेंडर, हम इसे क्या बोलते हैं? सिलेंडर। पाँचवा क्या है? रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ये भी रेक्टेंगल से सिमिलर होता है। एंड सिक्स वन इज पिरामिड। पिरामिड किससे सिमिलर होता है? ट्रायंगल से, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, नाउ यू ऑल हैव टू रीड दिस शेप्स नेम एंड लाइंस एंड राइट योर मैथ्स नोटबुक एंड द फर्स्ट स्लाइड्स विच वी हैव सीन इन द फर्स्ट वन। यू हैव ड्रॉ दिस ड्राइंग इन योर मैथ्स नोटबुक एंड कलर द शेप्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन।